हाय फ्रेंड्स, पद्मा किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई चिक्की की रेसिपी। आइए देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मार्केट जैसा घर पर बनाइए दो चीज़ों से क्रंची करारे मज़ेदार रेसिपी। इसे चिक्की भी बोला जाता है और गुरमट्ठी भी बोला जाता है। और मज़ेदार रेसिपी ये देखिए, एकदम करारे क्रिस्पी। ये देखिए कितने मज़ेदार रेसिपी, आप घर पर ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो उसके लिए लिया मैंने 400 ग्राम मूंगफली और यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ ले लिया मैंने। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले रख देंगे कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर लिया, इसमें डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली को अच्छी तरीके से भूनना है। जितना अच्छे तरीके से धीमी आंच पे भूनेंगे ना तो हमारे चिक्की होगी टेस्टी और क्रंची बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारे चिक्की। और इस तरीके से लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट तक इसे भूनना है धीमी आंच पे। मूंगफली को बिना तेल में ही भूनना है, लगातार चलाते हुए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मूंगफली को अगर भुनेंगे ना तो आपका चिक्की जो है ना करारे मज़ेदार क्रंची बनेगा, अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो देखिए हमारा मूंगफली भुनने लगा है, इसका जो छिलका है ना थोड़ा थोड़ा हटने लगा है। तो देखिए, तो थोड़ा और भून लेंगे फ्रेंड्स, फुल वॉच करना वीडियो को। तो देखिए मैंने 5-6 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया इसे। अब इसको निकाल लेंगे एक कॉटन के कपड़े में। कॉटन के कपड़े में डालने के बाद इसे इस तरीके से इसका जो छिलका है ना उसे हटा लेंगे। इस तरीके से निकालने से पहले थोड़ा ठंडा करके लेना है मूंगफली को। ठंडा करने से इसका जो छिलका है ना जल्दी हट जाता है। तो देखिए मूंगफली की छिलका को मैंने हटा लिया। ये देखिए एक भी छिलका नहीं है मूंगफली के साथ। ये देखिए इसका जो छिलका है ना मूंगफली की, एक छन्नी ले लेंगे इस टाइप का और इसका सारे जो छिलका है ना इसको निकाल लेंगे। तो छन्नी में डाल के इस टाइप करके देखिए कितना अच्छे से निकल रहा है। इसका जो छिलके हटा लेंगे सारे। तो देखिए सारे मूंगफली को मैंने इसका छिलका जो है ना साफ कर लिया। इस टाइप का छन्नी से आसान तरीके से आप ऐसे इस टाइप का काम कर सकते हैं। बाजार जैसे चिक्की बनाने के लिए इसके अंदर जो मोटे मोटे दाना है ना साबुत, उसको एक कटोरी की मदद से तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने तोड़ लिया, ये देखिए दो टुकड़ा कर लिया। चिक्की बनाने रेसिपी शुरू करने से पहले जो मूंगफली का जो चिक्की बनाएंगे ना इसमें डालेंगे तो चिपकेगा नहीं घी लगाने से। तो सबसे पहले इसमें घी लगा के रख देंगे। तो चलिए शुरू करते बनाना। तो इसमें गुड़ डाल देंगे। कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया धीमी में। इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मैंने कद्दूकस करके घिस के रखा था, तो इस टाइप करके घिस के लेने से हमारा गुड़ जलेगा नहीं। तो और उस चम्मच से एक चम्मच डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस टाइप करके घिस के लेने से हमारा गुड़ जो है ना बहुत देर तक पकाना पड़ता है तो जल्दी गल जाता है घिस के लेने से। तो मैंने इस टाइप करके घिस कर लिया। इसको अभी अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसको धीमी आंच पे पकाना है लगातार चलाते हुए। गुड़ जब बॉयल होने लगे तब उस टाइम डालना है एक चम्मच घी। घी डालने से हमारा जो है चिक्की अच्छा टेस्टी बनेगा, दिखने में अच्छा लगेगा शाइनिंग। तो देखिए लगातार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए धीमी आंच पे ही पकाना है गुड़ को। अगर आप तेज आंच में पकाएंगे गुड़ तो गुड़ जल जाएगा तो आपका चिक्की जो है ना कड़वा लगेगा। तो चलिए गुड़ को चेक कर लेते हैं हमारा गुड़ हुआ कि नहीं। तो एक कटोरी ठंडा पानी ले लेंगे, उसमें एक दो बूंद गुड़ का डाल देंगे। तो देखते हैं इसको हुआ कि नहीं। तो देखिए गुड़ को ठंडा होने के बाद ये देखिए टूटने लगा है, क्रंची बन गया। ये देखिए तो हमारा गुड़ रेडी है। तो देखिए हमारा गुड़ बन के रेडी है। इसमें डाल देंगे एक चुटकी मीठा सोडा। इसको डालने से हमारा जो चिक्की बनेगा ना चिक्की बहुत क्रंची बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया और गैस को बंद कर दिया।
और इसमें डाल देंगे मूंगफली। मूंगफली डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करनी है गैस को बंद करने के बाद। और चॉपिंग बोर्ड जो है ना, जिसमें मैंने घी लगा के रखा था, उसमें डाल देंगे सारे, ये जो मिक्सर बनाया मैंने चिक्की बनाने के लिए, ये सारा डाल देंगे इसमें। और इस टाइप का प्लेट ले लेंगे और इसमें घी लगा लेंगे, जाके हमारा जो मिक्सर है ना चिपके ना, और चम्मच में भी नहीं चिपकेगा। चम्मच में भी मैंने घी लगा लिया, और थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके इसमें थोड़ा थोड़ा करके लेके इसको अच्छी तरीके से गोल गोल शेप में बनानी है, एकदम आसान तरीके से। ये देखिए इस टाइप करके सारे बना लेंगे। ये देखिए ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, एकदम मीडियम साइज़ का ही बनानी है, और गरम गरम ही बनानी है। ठंडा हो जाएगा तो हमारा जो चिक्की है ना वो बनेगा नहीं, तो गरम गरम ही बनानी है। और ये देखिए कुछ देर ठंडा करने के बाद हमारा जो चिक्की है अपने आप ही निकल आया। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है दिखने में। तो सारे चिक्की को इस तरह टाइप करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है दिखने में। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना घर पर फ्रेंड्स। और ये देखिए कुछ देर ठंडा होने के बाद कितने सुंदर लग रही है। इसे एक दो घंटा ठंडा होने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रही है दिखने में। और इसे तोड़ के भी दिखाती हूं आप लोगों को। ये देखिए एकदम क्रंची, ये देखिए एकदम मज़ेदार रेसिपी, टेस्टी, आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। ऐसे रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई करना, आसान तरीके से बाजार जैसे घर पर बनाइए चिक्की रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।